अब्बा यहाँ हम जनाब जामलू के नीचे, तो जामलू खा रहे हैं, काफी तोड़े हैं, बड़े प्यारे हैं। एक भाई के ऊपर चढ़ाया, ये देखें ये भी जामलू है, तो माशाल्लाह मजा आ रहा है। जिस ब्रदर ने खाने आ जाए, वो देखें माशाल्लाह कितना प्यारा लदी हुई है, भर गए जामुनों से, तो बड़े जामुन लगे हुए हैं। यहाँ पे ये जामुन है, और साथ ही ये देखिए अमरूद का बगीचा है, और अमरूद भी काफ़ी लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। मज़ा आ रहा है जामुन खाने का, जामुन का मौसम हो और जामुन खाओ मज़ा आता है। तो दिखाते हैं अब आपको अमरूद, ये देखें जनाब माशाल्लाह काफ़ी ये अमरूद लगे हुए हैं, ये देखें यहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के शुक्र से इसने फल उठाया हुआ है। अब ये देखें जनाब ये बड़े प्यारे प्यारे अमरूद हैं माशाल्लाह, अल्लाह के शुक्र से काफ़ी बड़े हो चुके हैं, और ठीक 10-15 दिन, ये 10-15 दिन निकालेंगे, काफ़ी लगे हुए हैं, काफ़ी पौधे हैं, ये देखें वो भी वो बूटे लगे हुए हैं। ये अमरूद का, अमरूद के काफ़ी बगीचे हैं जो हमने लगे हुए हैं। काफ़ी धूप है यहाँ पे, और धूप की वजह से यहाँ पे कैमरा भी सही नहीं आ रहा, लेकिन मज़ा आ रहा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कैसे 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 फ्रूट दिए हैं, अल्लाह नसीब करता है, वाहदहू वाला शरीक है, कैसे कैसे नेमत दी अता की अल्लाह ने, उसका फ़ायदा उठाते हैं, खाते हैं। अगर फिर भी इंसान अल्लाह का शुक्र ना अदा करे तो लानत है उस इंसान पर। तो चलते हैं, अब हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने इतनी बड़ी प्यारी प्यारी नेमतें अता की हैं, तो शुक्र तो करना चाहिए, क्योंकि अच्छा इंसान अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन हर हाल में अल्लाह पाक हर इंसान को उसके मुताबिक उसको हर चीज़ अता करते हैं।